गया डरपोक। अरे ओए, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, और आइंदा ऐसा मजाक कर लिया ना तो तेरा ये रेडियो तोड़ के फेंक दूंगा। अरे यार, अभी इंटरनेट और साइंस का जमाना है, इन भूत प्रेत को कौन मानता है। सपने में तो कोई भी सुपर हीरो बन सकता है लाला, दम है तो काली पहाड़ी के पीछे जो भूतिया हवेली है उसमें एक रात बिता के दिखा। काली पहाड़ी वाली भूतिया हवेली? हाँ, भूतिया हवेली। गांव में सब जानते हैं उस भूतिया हवेली के बारे में कि पिछले 20 साल से वहाँ एक भूत रह रहे हैं। कहते हैं वहाँ एक फैमिली रहा करती थी जिसमें से एक बच्चे का मर्डर हो गया, और जब से वो बच्चा मरा है तब से उस हवेली में कोई नहीं जाता, और अगर कोई उस हवेली में जाता है तो फिर वो लौट कर कभी नहीं आता। लौट कर नहीं आता क्यों? खुद जाकर देख ले। ठीक है, अगर मैंने इस भूतिया हवेली में सारी रात बिता दी तो तू क्या भूतों पर विश्वास करना छोड़ देगा? हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा, और तो और मैं सारी भूतों की किताब तुझे दे दूंगा। उन किताबों का मैं क्या करूँगा भाई? अपने वो सारी किताबों को बेचकर एक नया रेडियो ले लेंगे। हाँ, ये मस्त आइडिया है। ठीक है फिर। रेडियो ये ले लाल तागा, ये तेरी भूतों से रक्षा करेगा। अरे पागल है क्या, मैं इन जादू टोना को नहीं मानता। यार रख ले, तेरा क्या जाता है, और साथ में ये टॉर्च भी ले जा। डर गया क्या? क्या डर गया, रेडियो लेने आया हूँ, टाइम पास कैसे करूँगा। अगर ये मर गया तो इसका भूत हमें परेशान तो नहीं करेगा ना? अपने क्या है, खुद मुसीबत को गले लगा रहा है। अपने चलते हैं यार, रात हो रही है। क्यों बॉस, डर गए ना?
अरे बेवकूफ, उतार इसे। बॉस, तुम्हारे नाम से पुलिस वालों ने 20,000 का इनाम निकाला है। बॉस, बहुत गलत जगह आ गए अपन। बस्ती वालों का कहना है यहाँ पर किसी बच्चे का भूत रहता है। अरे चुप कर, कल तेरे सामने पूरी हवेली को चेक किया था, कुछ मिला? मिला भूत। अब जा उस बच्चे को बाहर निकाल, नहीं मर जाएगा वो। अबे गधे, किस आलू की बोरी को उठा के लाया है तू? मैंने तुझे जो फोटो भेजी थी उसके अंदर वो अंग्रेज का बच्चा था, तुझे ये अंग्रेज का बच्चा दिखता है? पर बस फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट थी। मुंह तोड़ दूंगा तेरा, एक काम भी ढंग से नहीं करता। अब मुझे ही उस बच्चे को किडनैप करना पड़ेगा। पर बॉस, इस बच्चे का क्या करें? इस बच्चे ने तो हमें देख लिया है, इसको तो सुलाना पड़ेगा। वैसे बॉस, यहाँ रात बिताना जरूरी है क्या? कहीं और नहीं चल सकते? अरे अब कहाँ जाएं? अब ये एक ही जगह है जहाँ कोई नहीं आता। बॉस, भूत के पैर के निशान। चुप कर रे बड़े। बॉस, मैंने सुना है भूत के पैर के निशान उल्टे होते हैं। चुप कर वरना ये सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। क्या क्या आ गया? मैं बोल, डर मत, मैं हूं ना। बक्सा बॉस, बक्से के पीछे देख क्या है। कुछ नहीं है बॉस, कुछ नहीं है। चद्दर के नीचे और देख क्या है। बाबू, मैं भूत नहीं हूँ, मेरा नाम रेडियो है। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम बोलू है। अच्छा चल, अब हम बाहर चले गए। अरे
इस रेडियो को। ले यार, तू जीता मैं हारा, आज से भूत भूत के चक्रों में नहीं पड़ेंगे। तो चले फिर भूतिया वैली पे पार्टी करने। भूतिया वैली? अरे नहीं यार, आज सिनेमा हॉल में एक भूत की पिक्चर लगी है, वो देखने चलते हैं हम लोग। चलो तुम दोनों जाओ यार, मेरा ये रेडियो मर गया, मैं इसको सही करूंगा आज। अरे मरा नहीं है ये सो गया है। सो गया? अरे हाँ, कल तेरे जाने से पहले मैंने इसकी बैटरीज निकाल ली थी, ये ले बैटरी। ओ, बैटरी निकाल ली थी क्या?